हाजिर जवाबी की कला। यदि आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इस प्रकार के अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलेंगे। वो वास्तव में अच्छे हैं और ज्ञानवर्धक हैं, और यदि वास्तव में आप एक फनी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको उन सब को देखना चाहिए। उन सब में कुछ कमी मैंने पाई, और अब देखिए ये भी चुटकुले की रूप में कही गई है बात, बट ये बहुत ही सीरियस फिलॉसफी है कि डर किस बात का, अधिक से अधिक जान जाएगी, ये जिल्लत भरी जिंदगी भी किस काम आएगी। विच हैज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ हितेश शाक्य। ये चुटकुला मैंने उठाया है करीब 2007-08 में, जो लाफ्टर चैलेंज चला करता था उसके अंदर रहमान नाम का एक कॉमेडियन। यदि आपको एक अच्छा चुटकुला मारने वाला बनना है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला व्यक्ति बनना है, अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, अच्छी संस्कृत बोलनी है, अच्छा फाइटर बनना है, अच्छा पेंटर बनना है, अच्छा राइटर बनना है, अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो उन सब की एक सबसे प्रमुख चाबी है, ठीक है। तो उससे मुझे एक फिल्म का ये सीन याद आ गया, माचिस होती तो दुनिया में आग लगा देता। तीसरा फार्मूला है एमसी फार्मूला। एमसी फार्मूले का जिक्र नहीं किया अलाबादिया जी ने। संसार में इतनी पीड़ा क्यों है, ये जानने का आपको इतना कीड़ा क्यों है। तो जॉन अब्राहम की तारीफ करते हुए अक्षय कुमार से कह रही है कि तुम्हारा दोस्त कितने अच्छे चुटकुले मारता है। ये कोई आदमी क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है या इरिटेट करता है तो मतलब, या विरोध करता है, तो वहां पर चुटकुला मार के उसको उस बात को उड़ा देना है। तो कहते बेटे को सिगरेट मत पिया करो, बुरी बात है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे जगली के लिए मेरी है। था अब देखिए कितने साल पुरानी वाली बात होगी, कम से कम 10 साल पुराना ही चुटकुला होगा। ये आलू और भालू वाला जो चुटकुला है वो हंगामा फिल्म से लिया गया है, कहानी लिखी भी है, पढ़ लेना आप। एक पुरानी फोटो हाथ लगी 2010 सुना सा लगता है। देखिए ये फिर से सुनील पाल का चुटकुला।